हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल एडिटिव चैप्टर आपका ये कंटिन्यू था। सीमित नाउ व्यू ऑल आर ओपन पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे टर्निंग सीड्स की एक गर्ल है सुनीता, टुक सम टर्निंग सीड्स। सी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम। कि गर्ल है सुनीता, वो टर्निंग यानी इमली के बीज कलेक्ट करती है, फिर वो बहुत सारे कलेक्टिव के ग्रुप्स बनाती है। तो सबसे पहले बनाती है वो 5 सीड्स। तो उसका वन जो सीड है वो रिमेनिंग रह जाता है, यानी वन बच जाता है, वो किसी भी ग्रुप में नहीं होता है। फिर वो ट्राई करती है अनदर से कि शी ट्राई मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 और 4। फिर वो ट्राई करती है 6 से 4 से भी कि उसके वो ग्रुप बना सके। ईच टाइम वन सीड वॉज लेफ्ट, एवरी टाइम वन सीड उसका बच जाता है। वॉट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। वॉट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता है, तो उस बीज का सबसे वो छोटा नंबर कौन सा होगा जो सुनीता के पास है। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, वॉट इज द स्मॉलेस्ट पूछा है, इसके लिए आपको फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कि हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने में सबसे छोटा कौन सा होता है, ये फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको उसमें कौन कौन से ग्रुप टाइप किया था, 5, 6, 4। तो आप क्या करेंगे, 5, 6 और 4 का हम यहाँ पे ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, 4, 5, 6, ये है मेथड कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। ओके, इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम 2 से, कि जो टेबल से हमारी स्टार्ट होती है 2 से। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 से नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6 इनमें से कोई नंबर है जो 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है, यानी विदाउट लिविंग डिवाइडर। यस, कौन सा, 4। कितने से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, यानी डिवीजन 2 से आपने 4 को डिवाइड किया, तो क्या आंसर है, 2 1 2 2 2 4। 2 टाइम यहाँ लिखेंगे, 5 से डिवाइड होता है नहीं, तो सेम 5 का 5। ओके, 6 2 से डिवाइड होता है, यस। कितने टाइम, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, यानी 3 टाइम। ओके, हम हमेशा उसमें स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से। नेक्स्ट टाइम इनमें 2 5 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आंसर आएगा, 1। देन बचा रिमेनिंग 5 और 3। 5 और 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से 6, तो 7 5 को करेंगे, देन 3। 3 को 3 से डिवाइड कर दो, 1, 5 का जितना रहेगा 1, अब 5 रिमेनिंग है, तो 5, 1 1 1। अब हम इन सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5 3 5 5 5 5 2 10, 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60। तो क्या एलसीएम आएगा इनका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60 एलसीएम आया। ओके, जब भी आप एलसीएम फाइंड करें तो फाइंड करने के लिए आपको ये प्रॉपर मेथड से फॉलो करना है, और ये भी आपको ट्रैक करना कंपलसरी होता है। ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, उसके हमेशा ही वन उसका रिमाइंडर रह जाता है, चाहे वो कैसे भी ग्रुप में ट्राई करे, तो वन रिमाइंडर रहता है, तो वन रिमाइंडर इस पर प्लस कर देंगे, तो 60 में 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा वो, 61। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा इन तीनों में, 61, यानी इन तीनों का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें 1 रिमाइंडर का बोला है। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली पेज नंबर 93 पे दिया हुआ है मोर टर्मिनेट सीड्स। अमनी इज अरेंज्ड 12 टर्मिनेट सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल रेक्टेंगल्स। कि वो 12 सीड्स रहते हैं उसके पास, तो वो उनको अलग अलग वे में अरेंज करती है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक यूजिंग 12 टर्मिनेटेड सीड्स। आपको 12 का यूज करना है, बट आपको अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक। आप कितनी तरह के रेक्टेंगल्स अलग अलग बना सकते हैं 12 को अरेंज करने के लिए। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 को अरेंज करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12, कि 12 है वो कौन कौन सी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं।
वन 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 करके 12 ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या टू, यस 12 से प्रॉपर डिवाइड होता है, कितने टाइम आता है 6 टाइम, यानी प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। 3 की टेबल में 12 आता है तो 3, नेक्स्ट 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8, 4 3 जा 12, 5 से नहीं होता फिर 6, 4 6 6 बन जाए 6, 6 2 जाए 12, फिर 7 नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर है, 8 से भी नहीं होता है, 9 से नहीं होता, 10 नेक्स्ट 11 सॉरी 12 9, 10, फिर इनके पास में 2 2 हो रहे हैं।
ये नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं सारे, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको देख के रखे 20 में कलर करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गई इनकी वृद्धि, कितनी देख के रखी है आपको, 2 रखते हैं। ओके, अब आपसे नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड वाले काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 रेक्टेंगल बॉक्स। ओके, नीचे लिखा हुआ है तो आप इसके जो आंसर है व्हाट इज इट्स लेंथ, तो 10 बॉक्सेस। ओके, नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ए रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे, यानी अदर वे में आपको 20 में कलर करना है, आपको कितना होना चाहिए 20। तो आप कैसे ले सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी बता रही हूँ कि ये कलर आपको करना है कि आप कैसे कैसे उनका ग्रुप बना सकते हैं। ओके, 10 के लिए आपको 10 by 2 का भी ले सकते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं इसमें 20 by 2 और लास्ट 4, कैसे जैसे 5 कलर 4 है तो आपको तो 20 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कंप्लीट नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4 5, कितनी रोज, 1 2 3 4। ओके, सिमिलरली आपको किसका करना है, 20 का करना है। ओके, 20 का भी कर सकते हैं आप इसे, जो 20 का एक ऑलरेडी भी डन भी है, किया हुआ है। नेक्स्ट है आप 10 का भी कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने करेंगे, 10 10 5, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5 6 7 8 9 10। अब आप इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। ओके, कंप्लीट है। या आप 20 की एक सीधी लाइन से भी ले सकते हैं, यानी 1 से 20 मल्टीप्लाई बाय 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंगे तो आपको 40 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 से भी आप ले सकते हैं, सीधे आप नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर सकते हैं 20 1 2 3। ओके, सो ऐसे आपको ये वाला